सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज दोस्तों हमारे पास आ चुके हैं ऑल न्यू किवे SR125 का वाइट कलर। तो यहाँ पर पहले यार आप लुक चेकआउट करो, क्या मस्त लग रही है बाइक। बाकी यहाँ पर दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बाइक का डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ, और आज के जो वीडियो ना उस बाइक के बारे में काफ़ी डिटेल में होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि इस बाइक का क्या मेंटेनेंस कॉस्ट है और क्या क्या फीचर्स बाइक में दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों हम आपसे ये भी बात करने वाले हैं कि क्या इस बाइक को परचेज करना वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना तो यार बनता है। तो चलिए दोस्तों बिना आपका समय गवाए वीडियो करते हैं जल्दी से शुरू। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं बाइक की लुक्स के बारे में कि कैसी बाइक की लुक्स होने वाली है। तो यहाँ पर बात करते हैं फ्रंट से। तो यहाँ पर फ्रंट में आपको देखने को मिलती है राउंड शेप में हेडलाइट। तो यहाँ पर साइड में आपको देखने को मिलते हैं LED DRL लाइट्स, और यहाँ पर सेंटर में दी गई है हैलोजन बल्ब। बाकी अगर बात करें इंडिकेटर के बारे में तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ ऐसे इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं जो कि फुली LED इंडिकेटर है, और यहाँ पर ब्लिंकर्स का भी ऑप्शन इस बाइक में दिया गया है। बात करते हैं फ्रंट सस्पेंशन सेटअप के बारे में। तो यहाँ पर इस बाइक में दिया गया है फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉक सस्पेंशन। और वहीं अगर बात करें इस बाइक के फ्रंट ब्रेक्स के बारे में तो यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी 300mm की फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर आपको इस बाइक में ABS का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। बट हाँ, एज अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू इस बाइक में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ है। वहीं दोस्तों यहाँ पर बाइक का टायर चेक करो एक बार, बाकी यहाँ पर कौन सी कंपनी का टायर है यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, सॉरी लिखा हुआ है कोई यूएनजिंग कंपनी का टायर है भाई इस बाइक में। और जो फ्रंट टायर की विड्थ है वो आपको देखने को मिलती है 110mm की, और यहाँ पर टायर की ग्रिप चेकआउट करो भाई, मतलब ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी मस्ट टायर ये होने वाली है। और यहाँ पर जो फ्रंट टायर का साइज़ है वो आपको देखने को मिलता है 17 inches का, और यहाँ पर आपको स्पोक व्हील इस बाइक में देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाली जो बाइक है वो ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी खतरनाक होने वाली है। यहाँ पर बात करते हैं बाइक के साइड प्रोफाइल के बारे में, तो कुछ ऐसी हमें बाइक की साइड प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक पर देखने को मिलता है कीवे का लोगो। और यहाँ पर बात करें फ्यूल टैंक के बारे में तो इस बाइक में 14.5 लीटर का फ्यूल टैंक हमें इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाता है, और जो इस बाइक की सीट हाइट है ना वो 780mm है। और बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको इस बाइक की 160mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है SR125 की ब्रांडिंग। बाकी यहाँ पर बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में, तो इस बाइक में दिया गया है 125cc सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल इंजन, और आपको इस इंजन से 9.7 PS की मैक्सिमम पावर देखने को मिल जाती है, वो भी 9000 RPM पर। और दोस्तों आपको इस बाइक से 8.2 Nm का मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलता है, वो भी 7500 RPM पर। इसके अलावा यहाँ पर आपको इस बाइक में 6-स्पीड गेयर बॉक्स देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इस बाइक रेयर सस्पेंशन सेटअप के बारे में, तो यहाँ पर आपको रेयर में दिए गए हैं टेलीस्कोपिक कॉल स्प्रिंग सस्पेंशन। यहाँ पर जो सस्पेंशन की परफॉर्मेंस है वो दोस्तों काफी बढ़िया मेरे को लगी। बाकी यहाँ पर बात करते हैं रेयर ब्रेक्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको रेयर में भी डिस्क ब्रेक कंपनी प्रोवाइड की हुई है जिसका साइज है 210mm का। वहीं अगर बात करें इस बाइक के रेयर टायर के बारे में तो यहाँ पर आपको रेयर में भी स्पोक व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, और जो इस बाइक का रेयर का टायर है उसका आपको साइज देखने को मिलता है 130mm का, और यहाँ पर 17 inch का आपको रेयर व्हील देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर बात करते हैं बाइक की रेयर लुक के बारे में, तो कुछ ऐसी में बाइक की रेयर लुक देखने को मिल जाती है। यहाँ पर दी गई है LED टेल लाइट, उसके जो दोस्तों आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर नंबर प्लेट की माउंटिंग देखने को मिल जाती है, और कुछ इस तरह के यहाँ पर आपको रेयर में इंडिकेटर दिए गए हैं। यहाँ पर जो इंडिकेटर का लुक है गाइस वो काफ़ी बढ़िया है, और यहाँ पर आपको ब्लिंकर्स का भी ऑप्शन इस बाइक में देखने को मिल जाता है। और चलिए एक बार इस बाइक के एग्जॉस्ट को सुन के देखते हैं और चेक करते हैं कि इस बाइक के एग्जॉस्ट में कितना दम है। तो एक बार इस बाइक के एग्जॉस्ट को ऑन करके चेक कर लेते हैं। तो गाइस आपको बाइक का एग्जॉस्ट नोट कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना आपको। तो चलिए बात करते हैं इस बाइक की सीट क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पर आपको लेदर सीट इस बाइक में देखने को मिल जाती है, और जो भाई सीट की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। बट यहाँ पर जो सीट है भाई थोड़ी सी आपको हार्ड मिलती है पिलियन के लिए, बट राइडर के लिए सीट जो है थोड़ी सी सॉफ्ट है।
बाकी अगर बात करें इस बाइक की साइड प्रोफाइल के बारे में तो कुछ ऐसी भाई साइड से बाइक देखने को हमें मिल जाती है। यहाँ पर आपको अगेन एसआर 125 की ब्रांडिंग देखने मिलती है और यहाँ पर चेन सेट है भाई, ठीक है। और यहाँ पर इस बाइक में सबसे अच्छी बात यह है कि भाई ये नट खोल के आप अपनी चेन सेट को साफ कर सकते हो। और यहाँ पर इस बाइक में एक और सेफ्टी फीचर भी दिया हुआ है, वो है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ। यहाँ पर देखा भाई साइड स्टैंड का सेंसर, तो जैसे आपका साइड स्टैंड लगा हुआ ना और आप बाइक ऑन करते हो तो आपकी बाइक ऑन नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर जो बाइक का हैंडल लॉक है भाई वो दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ से जो बाइक का हैंडल है वो लॉक हो जाता है। अब बारे आते हैं इस बाइक के कंसोल के बारे में, तो भाई पहले इस बाइक की कीज चेक करो, तो कुछ ऐसी हमें इस बाइक के साथ कीज देखने को मिल जाती है भाई। तो चलिए भाई कंसोल को ऑन करते हैं, तो कुछ ऐसा हमें राउंड शेप में कंसोल इस बाइक में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आती है इस बाइक की स्पीड, फिर ये रहा RPM, ये रहा ऑडोमीटर, ये रहा फ्यूल गेज, और ये भाई कुछ वार्निंग लाइट यहाँ पर आपको शो हो जाती है। बाकी कंसोल के साइड में भाई क्रोम इंसर्ट दिए गए हैं जिससे भाई काफ़ी प्रीमियम लुक यहाँ पर आती है। और चलिए बात करते हैं हैंडल बार के बारे में, तो यहाँ पर दिया गया है पास स्विच, उसके जो दोस्तों आपको लोअर हाई बीम का स्विच मिलता है, और यहाँ पर इंडिकेटर लेफ्ट और राइट का स्विच आपको देखने मिलता है, और यहाँ पर दोस्तों दिया गया हॉर्न का स्विच। तो भाई एक बार हॉर्न भी चेक करो कैसा बाइक का, ठीक है, हॉर्न तो काफी लाउड है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिया गया हैजर्ड ऑन ऑफ करने का स्विच, भाई जैसे इसको करते हो ना तो आपको जो हैजर्ड लाइट है वाली ये ऑन हो जाती है, ठीक है। तो चलिए भाई इसको भी बंद करते हैं और बात करते हैं राइट हैंड साइड के हैंडल बार के बारे में। तो यहाँ पर आपको दिया गया इंजन ऑन ऑफ करने का स्विच, और सबसे नीचे यहाँ पर आपको इग्निशन स्विच इस बाइक का देखने को मिल जाता है। और दोस्तों आपको बाइक की लुक कैसी लग रही है तो ये तो आपको हमें प्लीज कमेंट करके बताना है। अब बात करते हैं बाइक के प्राइस के बारे में, तो अभी ये वाली जो बाइक है वो हमें तीन कलर में देखने को मिल जाती है। एक तो हो गया व्हाइट जो कि आप अभी देख रहे हो, सेकेंड है ब्लैक, और थर्ड है रेड। और इन तीनों ही कलर का जो प्राइस है वो आपको देखने को मिलता है 1,19,000 रुपए शोरूम प्राइस। और यहाँ पर ये वाली बाइक आपको 1,40,000 के आसपास की ओनर देखने को मिल जाती है। और ये जो ओनर प्राइस है वो दोस्तों आपका स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप ये वाली बाइक परचेस करते हो तो आपको 2 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी इस बाइक के साथ देखने को मिल जाती है। और वहीं अगर बात करें इस बाइक की मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में, तो इस बाइक की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो दोस्तों 3500 के आसपास है। और यहाँ पर अगर आप ये वाली बाइक परचेस करते हो ना तो आपको कोई भी फ्री सर्विस इस बाइक की देखने को नहीं मिलती। और यहाँ पर जो भी इस बाइक की सर्विस है वो दोस्तों सारी पेड है। और कीवे की यही बाइक नहीं बल्कि कीवे की अगर आप कोई और बाइक भी परचेस करते हो इंडिया के अंदर तो उसकी भी आपको दोस्तों पेड सर्विस मिलती है। कोई भी फ्री सर्विस यहाँ पर कीवे इंडिया ऑफर नहीं करता अपनी हर एक बाइक पे। तो दोस्तों यही था इस बाइक का एक डिटेल ऑनरशिप रिव्यू। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।